नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है TV20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक का देवारा क्षेत्र घाघरा नदी में होने वाले हर हलचल से प्रभावित होती रहती है। कभी बाढ़ तो कभी रेतीला मंजर तो कभी बाढ़ के बाद की आफत। इस समय घाघरा नदी में हो रही कटान लोगों के लिए आफत बनी हुई है। बता दें कि अराजी गंगापुर में नदी बड़ी तेजी से किनारे को काटती हुई आगे बढ़ रही है। नदी की कटान में अब तक 6-7 घर पानी में समा चुके हैं, जबकि कई और घर पानी में समाने की कगार पर खड़ा है। बेघर हुए परिवार के लोग इस कड़ाके की ठंड में पंचायत भवन में शरण लिए हुए हैं, जबकि इसकी सूचना ग्राम प्रधान व प्रभावितों द्वारा जिला एवं तहसील प्रशासन को दे दी गई है, परंतु राहत और बचाव के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। पीड़ितों का कहना है कि हर साल बाढ़ के कारण उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, जिससे जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए बंधे के दक्षिण आवासीय पट्टे की मांग की और मानवीय मूल्यों की रक्षा की गुहार लगाई। इस संबंध में जब हमारे ब्यूरो प्रमुख राजनारायण मिश्र ने नायब तहसीलदार विनय प्रभाकर से बात की, तो उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को भेजकर जांच कराने की बात कहते हुए पीड़ितों के लिए अतिशीघ्र समुचित व्यवस्था करने की बात कही। जैसे कि तीन पहले वो पशु था, वो से काटते काटते इधर आए, तीन थर का तीसरे थर हम सब बसे हैं और ये भी कट गया है। और हम लोग के रहने के लिए कोई अब जगह नहीं है, न कोई सुविधा है। अब ये बात कोई थी नहीं आ रही है सरकार की तरफ से, कोई हम लोग कहाँ जाए। तो प्रधान जी से या लेखपाल से आपने कुछ कहा कि इसकी कटान होती है? जी, तो नेपाल जी भी आए थे, देख कर लिख पढ़ कर ले गए और DM साहब के नारे और सब दरखास्त डाले, कोई सूचना नहीं आई। तो अब प्रधान भी इस कार्रवाई में लग रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कितना घर अब तक कट गया है आपके किनारे से? अरे 5-6 घर कट चुका है और ये सब कटान पे हैं। 5-6 घर वाले कहाँ गए, फिर क्या कर रहे हैं? कहाँ गए, अभी सब इसी तरह इधर उधर है। और ठंड की मौसम है, हम लोग की कोई सुविधा नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं। हम लोग इस ठंड में कैसे रहे, कहाँ गुजारा करें, क्या खाएं, कैसे जी, हम लोग की कोई चीज नहीं। अब सरकार से ये योजना कि हम लोग की जो भी सुविधा दे बाहने दखिन दे, कि जो भी हम जहाँ रहे एकांशुत रहे और इस दीवारे में रहते हैं, बार बार कटता है और हम लोग को बच्चे हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, पानी ज़्यादा लग जाते, पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो जहाँ भी दे बांधे दखिन दे कि हम लोग की जहाँ मकान बनाए सुरक्षित रहे और हम भी लोग कुछ करें, हमारे बच्चे भी कुछ पढ़े लिखे, यही हम लोग की निवेदन है। जी, यहाँ नदी का कटाव बहुत तेज है, 5-7 परिवार विस्थापित हो चुका है, इसके लिए कहीं आपने कोई सरकारी तंत्र को आपने इन्फॉर्म किया, कोई जानकारी दी या कोई मदद मिली, क्या प्रक्रिया कर रहे थे? इसके लिए दरखास्त दिया गया, DM साहब के यहाँ भी पड़ा है और ADM साहब के यहाँ भी पड़ा है और इसके अलावा लेखपाल साहब आए थे, यहाँ जांच किए, लेखपाल साहब लेकर के गए हैं, अभी और आगे कोई अधिकारी नहीं आया। अभी जैसे 5-7 घर पानी में समा गया, वो बेघर हो गए, उनको कहाँ आश्रय दिया जा रहा है? ये जो लोग घर जिनका कट गया है, इन लोगों को सरकारी पंचायत भवन है उसी में किसी तरह गुजार रहे हैं। कुछ लोग तो ठंडी में ही वैसे खाली मैदान में ही पड़े हैं, जगह नहीं है। इन लोगों की व्यवस्था कराई जा सरकार से, यही मांग है। नहीं तो इसके लिए आप उपजिलाधिकारी महोदय से कहीं वार्ता हुई या तहसीलदार महोदय से कोई वार्ता हुई कि इस पर आगामी क्या कार्रवाई की जा रही है? बातचीत हुई थी, आश्वासन लोग दिए, लेकिन कोई आया नहीं। इन लोगों का पूरे यहाँ की पब्लिक की यही मांग है, 3-4 बार घर कट चुका है, अब हम लोगों को यहाँ से कहीं बंधे दक्षिण अस्थाई जमीन दिलवाई जाए, 1 बिसवा या 2 बिसवा हम लोग अपना आवासीय पट्टा मिल जाए, हम लोग अपना वहाँ आवास बनाकर सुरक्षित रह सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें।